अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सबको? ठीक है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लें कि आपकी जो आईडी, से पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि आप अपनी जो आईडी का नेम है ये वो नेम होना चाहिए जो आपकी अटेंडेंस शीट में वहाँ पर है, ताकि इसकी बेस पर आपकी अटेंडेंस लगे, अदरवाइज़ आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। इसलिए कि जब हम अटेंडेंस आगे फॉरवर्ड करते हैं तो वहाँ पे इशू आता है कि वहाँ पे वो नेम लिखा होता है जो कि अटेंडेंस शीट में मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो अब आपने क्लास तो ली है मगर फिर आपके अटेंडेंस नहीं लगी, इसलिए कि वहाँ पे वो नेम ही नहीं है। तो सबसे पहले तो अपनी आईडी का नेम वो रखिएगा जो आपके अटेंडेंस शीट में है, ताकि बाद में आपके लिए कोई मसला ना हो। हाँ, वहाँ पर अपना नेम देख लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्म्स प्रोडक्शन कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस। क्वेश्चन आपको जो भी होगा आप मुझे चैट पर भेज देंगे, ठीक है, मैं बिल्कुल क्लास के बिल्कुल लास्ट में उसको देखूंगा। मीटिंग जब एंड होगी उससे 5 मिनट पहले, ठीक है, यानी मीटिंग के जब एंड होगी, फर्स्ट मीटिंग, हम 3 मीटिंग जो है कंडक्ट करेंगे। तो अभी फर्स्ट मीटिंग जो है, और हर मीटिंग आपको पता है 40 मिनट्स की होती है, तो थ्री मीटिंग्स 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स की होंगी, तो 2 घंटे की आपकी क्लास है। फर्म्स प्रोडक्शन कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस। जैसे कि हमें क्लियर है, फर्म्स वो बिजनेस है जिसमें कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या प्रोडक्शन हो रही है किसी चीज़ की। जब किसी फर्म के पास, या फर्म जब अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही होती है, तो उसके पास 3 क्वेश्चन अपने सामने रखती है। फर्स्ट, कि फर्म प्रोडक्शन क्या करेगी और कितनी प्रोडक्शन करेगी, यानी कब हो रहा है काम, बिल्कुल स्टार्ट में। क्या कि फर्म की प्रोडक्शन क्या होगी, क्या प्रोड्यूस करेगी, यानी अगर आपको एक रिसोर्सेज दे दिए जाएं कि भाई ये 5 लाख रुपीस आपके पास हैं, आप इसको इन्वेस्ट करें यानी इससे कोई बिजनेस करें, तो सबसे पहले आपके जहन में क्वेश्चन ये आएगा कि क्या बनाया जाए, क्या प्रोड्यूस किया जाए, क्या मैन्युफैक्चर्ड किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आएगा दिमाग में, कितना प्रोड्यूस किया जाए, क्या चीज़ बनाई जाए, कितनी बनाई जाए, उसकी कोई क्वांटिटी आपके जहन में होगी, उसका कलर, उसकी साइज, उसकी पैकिंग जी, उसका टेस्ट, ये तमाम चीज़ें एक क्वेश्चन है। सेकंड, वो जो चीज़ प्रोड्यूस की जाएगी उस पर लगने वाली कॉस्ट कितनी होगी,
कितना खर्चा आएगा उस पर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा बिजनेस है लैपटॉप बनाना चाह रहे हैं, लैपटॉप की प्रोडक्शन करेंगे। अब जब लैपटॉप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, उसका साइज़ क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, उसकी पैकिंग क्या होगी, उसका शेप क्या होगा, किस तरह की आप जो है बनाना चाह रहे हैं लैपटॉप। सेकंड, उस पर लगने वाली कॉस्ट कितनी होगी। अगर आपने बोला मुझे 1000 लैपटॉप्स बनाने हैं स्टार्ट में, तो उस पर कॉस्ट कितनी आएगी। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, फर्म का, मैन्युफैक्चरर का, प्रोड्यूसर का, कि उस पर लगने वाली कॉस्ट क्या होगी, कितना खर्चा आएगा। एंड थर्ड, उससे मुझे क्या मिलेगा, रेवेन्यू कितनी होगी मेरी उसमें। ये थर्ड क्वेश्चन। तो उस चैप्टर में हम किसी भी फर्म्स की प्रोडक्शन कॉस्ट और उसकी रेवेन्यू को एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक, फर्स्ट प्रोडक्शन। अच्छा, इससे पहले हमने प्रोडक्शन का चैप्टर पूरा डिस्कस कर लिया है, उसमें प्रोडक्शन और इसके अलावा जो है प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का जो डिफरेंस था वो हमने डिस्कस किया था कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, वो सब हम, फिर प्रोडक्शन के फंक्शन क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म क्या होती है, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। अभी इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जस्ट इसको टच देते हुए और आगे बढ़ेंगे। प्रोडक्शन मीन्स द एक्शन ऑफ मेकिंग समथिंग। प्रोडक्शन में कोई भी चीज़ बनाना, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करना। बट इन इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू प्रोडक्शन मीन्स कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट्स। इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रोडक्शन को किस तरह डिफाइन करते हैं कि जब हम इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। और वो इनपुट कुछ भी हो सकते हैं। अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ऑल दीज आर इनपुट्स। उसकी बेस पे जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आपका आउटपुट होगा वो आउटपुट है। जो आप बनाएंगे, जो फिनिश गुड्स बन के बाहर आएगी, वो आपका आउटपुट है। और प्रोडक्शन इज द प्रोसेस अ फर्म यूजेस टू ट्रांसफॉर्म इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। यह प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फर्म यूज कर रही होती है, किस लिए, ताकि वो ट्रांसफॉर्म करे, उसको चेंज करे इनपुट को इनटू आउटपुट्स में। इनपुट में भी लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। ठीक, ये तो प्रोडक्शन हो गया। टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन इज द ओवरऑल क्वांटिटी। वो टोटल क्वांटिटी है ऑफ आउटपुट की दैट अ फर्म प्रोड्यूसेस। टोटल प्रोडक्शन मींस वो टोटल क्वांटिटी आउटपुट की जो फर्म प्रोड्यूस कर रही होती है, यूजुअली स्पेसिफाइड इन रिलेशन टू अ वेरिएबल इनपुट्स। और उसकी बेस पर क्या कर रही होती है, जो फर्म ने वेरिएबल इनपुट किए हैं उसकी बेस पर बना रही होती है। फर्म ने जो वेरिएबल इनपुट किए हैं, जो भी हमने डिस्कस किए, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, उन इनपुट्स की बेस पर जो आउटपुट होता है वो टोटल क्वांटिटी, ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्शन। कि फर्म ने कितने यूनिट बनाए, अभी फर्म ने फॉर एग्जाम्पल 20,000 यूनिट्स बनाए पूरे साल में, तो उसकी पूरे साल की, एक साल की क्या है वो टोटल प्रोडक्शन, एक साल में इतनी प्रोडक्शन की है। मार्जिनल प्रोडक्शन ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज द चेंज इन टोटल आउटपुट एज वन एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट इज एडेड टू प्रोडक्शन। मार्जिनल मीन्स चेंज इन टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट में जो चेंज हो रहा होता है वो कहलाता है आपका मार्जिनल प्रोडक्शन।
कि लास्ट टाइम आपने बनाए थे 100 यूनिट, ठीक है, और नेक्स्ट आपकी टोटल प्रोडक्शन हो गई 120 यूनिट्स हो गई। अब तो कितना चेंज आ रहा है, 20 यूनिट्स का, फिर 20 यूनिट्स का चेंज आया नेक्स्ट टाइम में, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट एवरेज प्रोडक्शन, द टर्म एवरेज प्रोडक्ट रेफर्स टू द एवरेज आउटपुट और प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच इनपुट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर एंड लैंड। यानी जब हम एवरेज की बात कर रहे होते हैं, एवरेज का मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हैं, एवरेज प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए टोटल प्रोडक्शन को डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ लेबर से। भाई हमने कितनी प्रोडक्शन की है टोटल, अभी मैंने आपको बताया था हमने 20,000 प्रोडक्शन की हुई है, 20,000 20,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर, ठीक है। आपके पास लेबर कितनी है, 1,000 लेबर काम कर रही है, तो 20,000 को 1,000 से डिवाइड करें, ठीक है, क्या आ जाएगा, तो एवरेज प्रोडक्शन, ठीक है। तो एवरेज प्रोडक्शन मींस टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर, कि एक लेबर ने कितनी कितने यूनिट प्रोड्यूस किए या मैन्युफैक्चर्ड किए। अगर 100 यूनिट बने हैं और 10 लेबर है, तो एक लेबर ने कितने बनाए, 10 यूनिट्स बनाए, एवरेज निकालिए। हो सकता है किसी ने 5 और 3 और 8 और 7 भी बनाए हो, मगर एवरेज का मतलब होता है टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर, ठीक है, एवरेज प्रोडक्शन। अब इसका टेबल यहां बनाए, इसमें इसको क्लियर करें। फर्स्ट कॉलम है यूनिट्स ऑफ लेबर, कितने यूनिट्स ऑफ लेबर, 1 से 10th, 10 लेबर। फर्स्ट लेबर कितने यूनिट बना रही है, 80 यूनिट्स, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन 80 है। फर्स्ट लेबर आपने लगाई तो यूनिट कितने यूनिट बने, 80 यूनिट्स, ठीक। सेकंड लेबर जब आपने लगाई है तो उसने कितने यूनिट बनाए, उसने इतने यूनिट बनाए कि टोटल 170 हो गए, ठीक है। तो हम इसको किस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कितना डिफरेंस आ रहा है इसका, 90 का, तो 90 आपका ये हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल मींस चेंज इन टोटल, टोटल में चेंज जो आ रहा है, ठीक है। 80 170 का डिफरेंस कितना है, 90। 170 270 का डिफरेंस कितना है, 100। 270 368 का डिफरेंस कितना है, 98, ठीक है। तो इसका जो चेंज आ रहा है वो मार्जिनल प्रोडक्शन कहलाते हैं। तो एक लेबर, फर्स्ट लेबर ने लगाए 80 यूनिट बनाए, सेकंड लेबर आई तो उसने कितने बनाए, 90 यूनिट बनाए, तो कितने होगा, 170 हो गए। थर्ड लेबर आई तो उसने 100 यूनिट बनाए, कितने होगा, 270 यूनिट्स हो गए। फोर्थ लेबर आई तो उसने कितने यूनिट बनाए, 98 यूनिट्स बनाए, तो 368 यूनिट हो गए टोटल, ठीक है, वो टोटल हो रहा है। फिफ्थ लेबर ने कितने बनाए, 62 यूनिट्स बनाए, तो 430 यूनिट्स हो गए। फिर फिफ्थ और सिक्स और सेवन और एट, एट ने जीरो बनाए तो कोई चेंज नहीं आया। नाइन्थ और टेंथ, ठीक है। तो ये क्वांटिटी है, टोटल आउटपुट और ये मार्जिनल प्रोडक्शन। नेक्स्ट एवरेज प्रोडक्ट किसे बोलते हैं, एवरेज का मतलब है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर, यानी टोटल आउटपुट मींस 80 डिवाइडेड बाय 1, कितना आया, 80। 170 डिवाइडेड बाय 2, क्या आंसर आया, 85। 270 डिवाइडेड बाय 3, कितना आंसर आया, 90। क्या कर रहे हैं हम, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है क्वांटिटी डिवाइडेड बाय लेबर, ये क्वांटिटी डिवाइडेड बाय लेबर। फोर्थ लेबर ने कितने बनाए, यानी फोर्थ पे क्या है, टोटल
368 डिवाइडेड बाय 4 92, 430 डिवाइडेड बाय 5 86, क्लियर। तो टोटल प्रोडक्शन, ये मार्जिनल और ये एवरेज प्रोडक्शन। मार्जिनल किस तरह आ रही है, इनका टोटल आ रहा है, ये जो टोटल प्रोडक्ट है इसका जो डिफरेंस है वो मार्जिनल आ रहा है, इसका डिफरेंस मार्जिनल। यानी एवरी नेक्स्ट लेबर कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, फर्स्ट ने 80 बनाए तो सेकंड लेबर कितने बना रही है, कितने लेबर प्रोड्यूस किए, 90 यूनिट्स। थर्ड लेबर ने कितने मैन्युफैक्चरिंग है प्रोड्यूस किए यूनिट, 100 यूनिट्स। एवरी नेक्स्ट यूनिट को हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक। और एवरेज आपको क्लियर है, एवरेज का मतलब है क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर्स। नेक्स्ट, ये तो आपका हो गया है प्रोडक्शन। कॉस्ट, एन अमाउंट दैट हैज टू बी पेड और स्पेंट टू बाय और मैन्युफैक्चर्ड समथिंग। वो अमाउंट जो आप पे कर रहे होते हैं या आप खर्च कर रहे होते हैं, क्यों पे कर रहे हैं या खर्च कर रहे हैं, टू बाय और मैन्युफैक्चर्ड समथिंग, या तो आप कोई चीज खरीद रहे होते हैं या फिर आप कोई चीज बना रहे होते हैं, उसके लिए आप खर्च कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। इसकी कॉस्ट कितनी है, ये जो आपने लैपटॉप खरीदा है कितने का है, आप बोलेंगे तो 50,000 का है, तो आपने लिए जो पे किया है उसकी कॉस्ट है। या फिर आप बोले नहीं, हमने ये जो जनरेटर है ये हमने बनाया है, हमारा बिजनेस जनरेटर का बिजनेस है, या बाइक्स हम बनाते हैं, बाइक का बिजनेस है, तो आप जो बना रहे हैं उस पर आपने कितना पैसा खर्च किया है, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो वो कॉस्ट का मतलब है वो अमाउंट जो आप पे कर रहे हैं, किस लिए पे कर रहे हैं, क्या आप कुछ चीज खरीद रहे हैं या आप इसलिए खर्च कर रहे हैं कि आप वो कोई चीज बना रहे हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट, ठीक। जो जिस रेट पर आपने वो चीज बनाई है या परचेज की है वो कहलाती है कॉस्ट, ठीक। टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। The total cost is the actual cost incurred in the production of a given level of output. Total cost is the actual cost. वो total cost, वो actual cost होती है जो जो incurred हुई है, किस लिए, in the production of given level of output, जो आपने output बनाया है, जो आपने output दिया है, जो आपने manufacturing की है, जो आपने unit produce किए हैं, उसके ऊपर जो टोटल कॉस्ट आई है, टोटल जो खर्चा आया है आपका, जो एक्चुअल कॉस्ट आई है, दैट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को हमने डिवाइड किया हुआ है टू पार्ट्स में, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, अ फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज विद एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेस। Fixed cost is a cost that does not change, change नहीं होती, with an increase or decrease in the amount of goods or services. अगर आप goods and services को increase या decrease करते हैं तो fixed cost ऐसी cost होती है जो change नहीं होती, कोई तब्दीली नहीं आती fixed cost में, constant होती है, चाहे आप manufacturing करें चाहे manufacturing ना करें, चाहे आप 100 unit बनाए चाहे 10,000 यूनिट्स बनाए, आपने कॉस्ट उतनी ही पे करनी है। फॉर एग्जाम्पल रेंट, रेंट आपको पे करना है, आपने एक स्पेस ले लिया, वहां पे आपने जो अपनी फैक्ट्री लगा दी, रेंट पर है वो,
उसका रेंट समझे, रेंट भी अच्छा खासा होता है, समझे 1 लाख रुपए रेंट है उसका। अब आप 1 लाख रुपीस आपको पे करने हैं, ये फिक्स कॉस्ट है आपकी। अब आप उधर जो है बोले कि लॉकडाउन के चक्कर में हमने उधर तो मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं की, जैसे कभी हुआ था लॉकडाउन में, तो आपकी जो ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसमें होंडा है, सुजुकी है, एटलस है, सॉरी इंडस मोटर है, इन्हें टोयोटा कंपनी है, इन्होंने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी थी। मंथ में 10 और 12 डेज की प्रोडक्शन हो रही है, 10 से 12 दिन प्रोडक्शन हो रही है, बाकी ऑफ है। तो रेंट तो, अगर वो चीज़ अगर उनकी फैक्ट्री रेंट पर थी तो रेंट तो पे करना है। सेकंड, मैनेजर जो मैनेजर है उनकी सैलरी पे करनी है, इंश्योरेंस तो पे करना है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करें आप या ना करें। तो ये कहलाती है फिक्स्ड कॉस्ट, जो आपने हर हालत में पे करनी है। नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट, अ कॉस्ट दैट वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट की वजह से वेरी होती रहती है, चेंज होती रहती है, वो कहलाती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि आपने 10,000 यूनिट्स बना रहे हैं, तो आपका आउटपुट जो आपका सॉरी रॉ मटेरियल है वो उतना खर्च हुआ है। अगर आपने 1 लाख यूनिट बना लिए तो आउटपुट आपका ज़्यादा खर्च होगा, सॉरी रॉ मटेरियल ज़्यादा लगेगा आपका, वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट, अगर आप 3 घंटे मशीन चलाएंगे तो आपके इतने यूनिट्स बनेंगे इलेक्ट्रिसिटी के, अगर आप 10 घंटे मशीन चलाएंगे तो आपको ज़्यादा बिल पे करना पड़ेगा, यानी आपका बिल ज़्यादा आएगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी आपने ज़्यादा कंज्यूम कर ली है, वेरिएबल कॉस्ट। यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह आपने कॉस्ट भी इंक्रीज होगी आपकी। मशीन कम चलाएंगे, मशीन कम डेप्रिशिएट होगी, मशीन ज्यादा चलाएंगे तो ज्यादा डेप्रिशिएट होगी, डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी। समझ रहे हैं आप? अगर आपने पर यूनिट मेथड अप्लाई किया हुआ है, तो आपने जितने ज्यादा यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड करेंगे उतनी आपकी जो है कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो टोटल कॉस्ट में 2 कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको पे करनी है हर हालत में, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट जो कि आपके यूनिट के ऊपर बेस करती है, आउटपुट के ऊपर बेस करती है, जितनी आउटपुट उतनी कॉस्ट आपने पे करनी है, ज़्यादा है तो ज़्यादा कॉस्ट, कम है तो कम कॉस्ट पे करेंगे, ठीक, वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, इन दोनों को मिला के एक आती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, यानी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों उसमें इंक्लूड होती हैं। जैसे कि आपका मीटर, के इलेक्ट्रिक का मीटर है, जो कि इलेक्ट्रिक का मीटर लगा हुआ है आपके, जब आपके बिल आते हैं तो आपके एक जो है फिक्स्ड अमाउंट आनी है, अगर आप 1 यूनिट भी यूज़ नहीं करेंगे तो भी एक फिक्स्ड अमाउंट आपके बिल आएगा, जैसे कि समझे 200 है, 300 है, 300 रुपीज़ आपके बिल आएगा। क्यों? आप बोलेंगे यूनिट्स तो यूज़ नहीं किए। नहीं, ये के इलेक्ट्रिक का जो आपका मीटर लगा ना, इसका रेंट होता है, वो आपने पे करना है। तो जो आपके बिल आता है उस बिल में एक तो फिक्स्ड कॉस्ट होती है जो आपने हर हालत में पे करनी है, जैसे कि टीवी लाइसेंस फीस भी उसके अंदर इंक्लूड है, आप देखिएगा बिल के अंदर लिखी होती है, तो आपने पे करनी है वो। अगर आपने 1 यूनिट भी यूज़ नहीं किया तो बिल आएगा, और बिल पे आपने ये 200 300 अमाउंट जो भी है वो पे करनी है। ये तो फिक्स कॉस्ट हो गई बिल की, और उसके अलावा जितने यूनिट्स आपने कंज्यूम किए इलेक्ट्रिसिटी के, उतना आपका बिल बिल आएगा फिर। तो फिक्स्ड कॉस्ट वो बिल के अंदर हो गई मीटर रेंट और वो टीवी लाइसेंस फीस हो गई, ये फिक्स कॉस्ट हो गई। और वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गई? वो जो आपने जितने ज़्यादा यूनिट कंज्यूम किए हैं वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। तो दोनों को मिला लें तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो गई, ठीक है। थर्ड इसमें मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, सिर्फ 2 आपको क्लियर किए, इसलिए कि आगे दोनों ही आएंगे ज़्यादातर, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट जैसे कभी बताया कि चेंज इन टोटल द कॉस्ट एडिड बाय प्रोड्यूसिंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज।
जो आपने एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करते हुए जो आपने कॉस्ट पे की है वो कहलाती है मार्जिनल कॉस्ट। अभी टेबल आएगा उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। आगे एवरेज कॉस्ट इज अ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट बाय द टोटल आउटपुट। जब हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर रहे होते हैं टोटल आउटपुट से तो कहलाती है आपकी एवरेज कॉस्ट। ठीक है, आपकी कॉस्ट आई है 1000 रुपीस आ गई फॉर एग्जांपल। ठीक है, कॉस्ट कितना है 1000 रुपीस आई। कितने यूनिट्स बनाए हैं आपने? 10 यूनिट्स टोटल। तो 1000 टोटल कॉस्ट हो गई, टोटल आउटपुट 10 हो गए। 1000 को 10 से डिवाइड करें 100 आ गई पर यूनिट कॉस्ट, 100 रुपीस आ गई। एक यूनिट पे आपने 100 रुपीस जो है खर्च किए। ठीक है, एवरेज कॉस्ट। अब आगे टेबल आएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा उसके जरिए। ये आ गया आपका आउटपुट। फर्स्ट कॉलम है आउटपुट, सेकेंड है टोटल कॉस्ट, थर्ड है एवरेज कॉस्ट और फोर्थ है मार्जिनल कॉस्ट। आउटपुट यानी यूनिट्स। इसमें लिखा हुआ है कि 0 यूनिट्स आपने बनाए। जब आपने 0 यूनिट्स बनाए थे तो भी आपकी कितनी कॉस्ट थी? 10। यानी आपने कोई यूनिट नहीं बनाया है फिर भी आपके 10 कॉस्ट आ रही है। ये कौन सी कॉस्ट है? फिक्स्ड कॉस्ट। ये फिक्स कॉस्ट जो आपने पे करना है, 0 यूनिट बनाए फिर भी आपने पे करना है, यानी आपने एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं किया फिर भी आपको ये कॉस्ट पे करनी है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था जो आपकी फैक्ट्री का रेंट है और डेप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस है, सैलरी है मैनेजर की, वो आपको पे करनी है कि हर हालत में। ठीक है, तो फर्स्ट कितना यूनिट है? 0 यूनिट्स, टोटल कॉस्ट है 10। फर्स्ट यूनिट बनाया 20, टोटल कॉस्ट आ गई 20 यूनिट्स। थर्ड यूनिट, सेकेंड यूनिट बनाया आपकी टोटल कॉस्ट आ गई 28। इसी तरह नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होती जा रहे हैं और आपकी कॉस्ट भी, टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। ये टोटल कॉस्ट है। अब इसको इस तरह देखते हैं, लास्ट कॉलम देखें, लास्ट है मार्जिनल कॉस्ट। इधर आ गया, मार्जिनल कॉस्ट आपको क्या बोल रहा है? मार्जिनल कॉस्ट आपको बोल रहा है कि इधर नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, ये कॉस्ट भी, हाँ टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। जब आपने 1 यूनिट बनाया तो आपकी आई टोटल कॉस्ट कितनी आई? 10, 20। तो पहले 10 थी फिर 20 हो गई, तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 10। यानी फर्स्ट यूनिट बनाने में आपकी कितनी कॉस्ट आई है? 10। सेकेंड यूनिट बनाने में आपकी कितनी कॉस्ट आई है? 8। थर्ड यूनिट बनाने में आपकी कितनी कॉस्ट आई है? 6। फोर्थ यूनिट बनाने में कितनी कॉस्ट आई है? 4। ठीक है, अभी जब इनको ऐड कर रहे होते हैं 10 और क्या कहते हैं 10 और ये हो गया आपका 10, कितने हो गए? 20। 20 और 8 कितने हो गए? 28। 28 और 6 कितने हो गए? 34। 34 और 4 कितने हो गए? 38। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेते हैं तो टोटल कॉस्ट बन जाती है। ठीक है, या मार्जिनल कॉस्ट देखनी है तो इस तरह देखेंगे, चेंज इन टोटल, टोटल का डिफरेंस होता है मार्जिनल कॉस्ट। इनका डिफरेंस कितना है? 10, ये रहा 10। इनका डिफरेंस कितना है? 20 और 28 का 8, तो 8 आ गया। 28 और 34 का डिफरेंस कितना है? 6, तो 6 आ गया। ठीक है, इस तरह हम देख रहे होते हैं मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट मींस टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। इधर तो यूनिट्स ही बने, इधर देखें 20 टोटल आपकी कॉस्ट आई, 20 डिवाइडेड बाय यूनिट 1, तो एवरेज कॉस्ट आएगा 1, 20। 28 डिवाइडेड बाय 2, 14। 34 डिवाइडेड बाय 3, 11.3। 38 डिवाइडेड बाय 4, 9.5। 42 डिवाइडेड बाय 5, 8.4। किस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं हम? टोटल कॉस्ट को यूनिट से या आउटपुट से डिवाइड कर रहे हैं।
ठीक है, ये आपके आ गई एवरेज कॉस्ट, ये एवरेज कॉस्ट हो गया। ठीक, रियल कॉस्ट एंड नॉमिनल कॉस्ट। रियल कॉस्ट रेफर टू दोज पेमेंट्स विच आर मेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन रेंडरिंग देयर सर्विसेज। रियल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ द पेन एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ लेबर। रियल कॉस्ट रेफर करिए वो पेमेंट जो आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे कर रहे होते हैं उनके सर्विसेज के अगेंस्ट, जैसे कि आप लेबर को पे कर रहे हैं वेजेस, कैपिटल को पे कर रहे हैं इंटरेस्ट, लैंड को पे कर रहे हैं आप रेंट, और ऑर्गेनाइजेशन को आप दे रहे हैं प्रॉफिट। ये जो भी हमने बताया आपको, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट, ये क्या कहलाती है? रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट वो कॉस्ट जो आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे कर रहे होते हैं वो कहलाती है आपकी रियल कॉस्ट। ठीक है, नॉमिनल कॉस्ट इज द मनी कॉस्ट, एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड ऑन वेरियस इनपुट ऑफ प्रोडक्शन। इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अलावा जो आप खर्च कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं नॉमिनल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, यूटिलिटीज के बिल पे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें के एडवर्टाइजिंग आप पे कर रहे हैं, एक्सपेंस उसकी भी होते हैं, एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंस भी होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस भी हैं, तो नॉमिनल कॉस्ट इज द मनी कॉस्ट। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अलावा जो आप कॉस्ट पे कर रहे हैं, जो आपके एक्सपेंसेस हैं, वो कहलाती है आपकी नॉमिनल कॉस्ट। ठीक है, रियल कॉस्ट किसको पे की जा रही है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। नॉमिनल कॉस्ट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अलावा जो कॉस्ट पे की जा रही है वो है आपकी नॉमिनल कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। ठीक है, तो रियल कॉस्ट एंड नॉमिनल कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर द पेड आउट कॉस्ट। दीज आर द पेमेंट्स मेड फॉर प्रोडक्टिव रिसोर्सेस परचेज्ड और हायर बाय द फर्म। ये वो पेमेंट होती है जो किसी भी चीज को आपने परचेज किया है या आपने फर्म ने हायर किया है बाहर से, उसको जो पेमेंट हो रही है, या आपने कोई चीज परचेज की या आपने कोई चीज हायर की है बाहर से, उसको जो पेमेंट हो रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। दीज इंक्लूड वेजेस पेड टू द लेबर, लेबर को जो आप पे कर रहे हैं बाहर से, आपने हायर किया उसको आप पे कर रहे हैं लेबर को। रेंट पेड फॉर द प्रीमिसेस, आपने एक जगह ली हुई है उसका आप रेंट पे कर रहे हैं, बाहर से ली हुई आपने। पेमेंट मेड फॉर द रॉ मटेरियल, आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं, ये सब क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। पेमेंट्स इन टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रीमियम पेड टूवर्ड्स इंश्योरेंस अगेंस्ट फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा, अकॉर्डिंग टू लेफ्ट व्हिच। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर दोज कैश पेमेंट्स विच फर्म्स मेक टू आउटसाइडर फॉर देयर सर्विसेस एंड गुड्स। दीज कॉस्ट अपियर इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द फर्म। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम अकाउंटिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड की जाती है, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आप इसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं अकाउंटिंग। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आपने कैश पे किया आउटसाइडर को गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में या यूज करने में, जो आपने कॉस्ट पे की है, जो आपने पैसा खर्च किया है, वो कहलाता है आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट, ठीक है, बाहर जो पे कर रहे हैं। इम्प्लिसिट,
implicit cost or the opportunity cost of a firm's resources, the opportunity cost equal to what a firm must give up in order to use factors which it neither purchases nor hires. These costs do not appear in the accounting record of the firm. The sum of explicit cost and implicit cost constitutes the total cost of production of a commodity. Implicit cost वो cost होती है जो firm क्या कर रही होती है, जैसे कि opportunity cost कहलाती है ये, और वो cost जो firm ने छोड़ दी है, ठीक है। यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले क्लियर कर लें तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे कि लिखा है इम्प्लिसिट कॉस्ट और द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपने बेस्ट अल्टरनेटिव जो आपने छोड़ दिया है उसकी कॉस्ट क्या कहलाती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि आपके पास $100 हैं, अब आप या तो $100 का मोबाइल परचेस कर लें, ठीक है, या आप $100 का कुछ और कोई भी दूसरी कोई चीज परचेस कर लें, ठीक है। अब आपके पास क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आपकी? ये $100 है, ठीक है। आपने या तो मोबाइल परचेस करना है, ये समझे, या आपने सिस्टम उठाने लैपटॉप ही लेने चले, लैपटॉप लेने है। तो आपने क्या किया? आपने $100 का मोबाइल परचेस कर लिया, ठीक है। तो वो जो आपने $100 का मोबाइल परचेस किया, आपने लैपटॉप परचेस नहीं किया, तो आपकी जो लैपटॉप नहीं परचेस किया वो क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा आपकी अटेंडेंस ले लूं।